नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और अगले एक घंटे में बात करेंगे तमाम ताजा तरीन और महत्वपूर्ण खबरों की। बात होगी 10वें रोजगार मेले की, जिसके जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और उनकी सरकार ने एक बार फिर युवाओं को रोजगार मुहैया कराने की अपनी प्रतिबद्धता पूरी करते हुए नजर आए हैं। बात इसराइल हमास युद्ध की भी होगी, जो 22वें दिन में पहुंच गया है, लेकिन इसके साथ ही इसमें संघर्ष विराम को लेकर दुनिया दो हिस्सों में बटी नजर आ रही है और इसमें हमारे देश में भी इसको लेकर सियासत गर्म हुई है। पूरी खबर पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके साथ ही साथ बात करेंगे महुआ मोइत्रा की, जिन्हें लोकसभा के आचार समिति का नोटिस मिला है। बात 5 राज्यों के चुनावी समर की भी होगी। अगले एक घंटे में देश दुनिया के हर जरूरी खबर पर बात करेंगे, दिखाएंगे खेल और अर्थ जगत की भी खबरें, लेकिन शुरुआत हेडलाइंस के साथ। देश भर में 37 जगहों पर आयोजित हुआ 10वां रोजगार मेला, 51,000 युवाओं को मिला नियुक्ति पत्र। प्रधानमंत्री ने कहा, देश में की जा रही है पारदर्शी व्यवस्था कायम। गाजा में इसराइल की जमीनी कार्रवाई शुरू। शुक्रवार की रात हमास की 150 सुरंगें की गई नेस्त नाबूद। सऊदी रूस ने कार्रवाई को बताया अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन। महुआ मोइत्रा को लोकसभा आचार समिति का नोटिस, कैश के बदले सवाल मामले में 2 नवंबर को पेशी। समिति ने कहा, नहीं मिलेगी और छूट। मोइत्रा ने मांगा था 5 नवंबर तक का वक्त। सरकार ने तय किया प्याज निर्यात का न्यूनतम मूल्य, प्रति मीट्रिक टन 800 अमेरिकी डॉलर तय। 31 दिसंबर तक रहेगा लागू। कीमत नियंत्रित करने के लिए 2 लाख टन अतिरिक्त प्याज भी करेगी खरीदारी। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में अमित शाह की चुनावी रैली। कहा, मध्य प्रदेश में कांग्रेस के 3 परिवार बनते काम का कर देंगी बंटाधार। छत्तीसगढ़ कांकेर में राहुल की रैली। भाजपा ने कहा, राहुल की घोषणाएं नहीं चढ़ पाती परवान। और क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया की न्यूजीलैंड पर रोमांचक जीत, 5 रन से दी मात। ऑस्ट्रेलिया ने 388 रन का दिया था लक्ष्य, न्यूजीलैंड ने पीछा करते हुए 9 विकेट पर बनाए 383 रन। एशियाई पैरा खेलों में भारत का ऐतिहासिक प्रदर्शन, भारतीय दल ने जीते रिकॉर्ड 111 पदक। पीएम मोदी ने पदकों के शतक पूरा होने पर जताई खुशी, कहा ये एथलीट्स की प्रतिभा, कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प का है परिणाम। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नवनियुक्त कर्मियों को 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र वितरित किए। हम 10वें रोजगार मेले की बात कर रहे हैं और ये रोजगार मेला 37 जगहों पर आयोजित किया गया और इस दौरान प्रधानमंत्री ने नियुक्ति पत्र वितरित किए। नवनियुक्त कर्मियों को कर्मयोगी प्रारंभ के माध्यम से खुद को प्रतिष्ठित करने का भी अवसर मिल रहा है। कर्मयोगी प्रारंभ IGOT कर्मयोगी पोर्टल पर एक ऑनलाइन मॉड्यूल है, जिसमें कभी भी किसी भी डिवाइस से सीखने के प्रारूप के तहत 750 से अधिक ई लर्निंग पाठ्यक्रम उपलब्ध कराए गए हैं। पीएम मोदी ने बताया कि सरकार ने भर्ती प्रक्रियाओं में बदलाव किया है। उन्होंने कहा कि SSC ने भर्ती परीक्षाओं को हिंदी अंग्रेजी के अलावा 13 भाषाओं में लेना भी शुरू किया है। हमने भर्ती प्रक्रिया को ना सिर्फ स्ट्रीमलाइन किया है बल्कि कुछ परीक्षाओं को रिस्ट्रक्चर भी किया है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की रिक्रूटमेंट साइकिल में जो समय लगता था, वो लगने वाला समय अब करीब करीब आधा हो गया है।
यानी सर्कुलर पत्र जारी होने से लेकर नियुक्ति पत्र देने तक के समय को काफी कम कर दिया है। इससे युवाओं के समय की बड़ी बचत हुई है। युवाओं के हित में सरकार ने एक और महत्वपूर्ण बदलाव किया है। एसएससी के कुछ परीक्षाओं को हिंदी, इंग्लिश और 13 क्षेत्रीय भाषाओं में लेना शुरू कर दिया है। और प्रधानमंत्री ने कहा कि आज के समय में करोड़ों युवाओं को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि आज तकनीक के दौर में सब कुछ तेजी से बदल रहा है, इसलिए हर किसी को अपने हुनर और ज्ञान में सुधार करते रहना होगा। करोड़ों युवाओं को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत ट्रेनिंग दी गई है। हमारे देश में करोड़ों कारीगर अपने पारंपरिक व्यवसायों के माध्यम से आजीविका चलाते हैं। ऐसे विश्वकर्मा कारीगरों उनके लिए पीएम विश्वकर्मा योजना भी शुरू की गई है। आज तकनीक के दौर में सब कुछ तेजी से बदल रहा है, इसलिए हर किसी को अपने हुनर और ज्ञान को अपडेट करते रहना होगा। कोई भी नई स्किल सीखने के बाद ये बहुत जरूरी है कि उसे निरंतर अपस्किल और रीस्किल किया जाए। पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत कारीगरों के ट्रेडिशनल स्किल्स को मॉडर्न टेक्नोलॉजी और टूल्स से जोड़ा जा रहा है। और बात करेंगे इसराइल गाजा संघर्ष की, और उसके बीच चले आ रहे संघर्ष को 22 दिन पूरे हो चुके हैं। हर गुजरते दिन के साथ युद्ध और तेज हो रहा है। इजरायली सेना ने उत्तरी गाजा में घुसकर जमीनी कार्रवाई को अंजाम दिया है, और अब गाजा की ओर इजरायली टैंकों ने भी बम बरसाना शुरू कर दिया है। गाजा की ओर से इजरायली टैंकों ने भी बम बरसाना शुरू कर दिया है। इजरायली सेना ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें साफ नजर आ रहा है कि अब इजरायली सेना ने गाजा पर जमीनी कार्रवाई भी शुरू कर दी है। हमास के खिलाफ इसराइल ने 7 अक्टूबर को ही युद्ध का ऐलान कर दिया था। अभी तक वो हवाई हमले कर रहा था, लेकिन अब उसके बढ़ते हुए टैंक ये जताने के लिए काफी है कि वो आतंकवादियों को हर कीमत पर सबक सिखा कर रहेगा। इसराइली सेना ने जानकारी दी है कि शुक्रवार रात उत्तरी गजा के इलाके में घुसकर जमीनी कार्रवाई को अंजाम दिया गया और हमास की 150 सुरंगों को नष्ट किया गया है। गाजा में हम युद्ध के लिए आगे बढ़ रहे हैं। कल रात IDF बलों ने उत्तरी गाजा में प्रवेश किया और क्षेत्रीय अभियान का विस्तार किया। इस ऑपरेशन में पैदल सेना, बख्तरबंद, लड़ाकू इंजीनियरिंग और तोपखाने बल शामिल हैं, जो भारी गोलीबारी के साथ हैं। वहीं हमास द्वारा अभी भी बंधक बनाए गए करीब 200 लोगों की रिहाई को लेकर इसराइल की राजधानी तेल अवीव में लोगों ने प्रदर्शन किया। उन्होंने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मांग की कि जल्द से जल्द बंधकों को छुड़ाया जाए। हम जवाब चाहते हैं, हम सरकार से सवाल पूछना चाहते हैं। हम अपने परिवार और बंधकों के लिए डरे हुए हैं, हम उन्हें सुरक्षित घर लाना चाहते हैं। वहीं हमास पर इसराइल की जवाबी कार्रवाई से अब तक करीब 7500 लोग मारे जा चुके हैं। शनिवार को गाजा में इंटरनेट और मोबाइल सेवाएं भी पूरी तरह से बंद रहीं। फिलिस्तीनी रेड क्रिसेंट सोसाइटी ने दावा किया है कि ये मोबाइल सेवाएं इजरायली बमबारी की वजह से बाधित हुई हैं। दूसरी ओर गाजा स्थित अस्पतालों को जरूरी दवाओं और अन्य सामानों से लदे 6 ट्रकों ने मिस्र सीमा से लगते हुए राफा क्रॉसिंग को शुक्रवार को पार किया। अब तक गाजा में 80 से ज्यादा ट्रक राहत सामग्री लेकर पहुंच पाए हैं। रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति ICRC अंततः तत्काल आवश्यक
चिकित्सा वस्तुओं के साथ कुछ ट्रक लाने में सक्षम हो गई है और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इसे अस्पतालों में वितरित किया जाएगा जहां आपूर्ति कम हो रही होगी। इसराइल हमास संघर्ष में इसराइल में करीब 1400 लोगों की मौत हो चुकी है। टेल अवीव, अश्कलोन सहित इसराइल के कई शहरों पर रॉकेट और मिसाइलों के हमले का खतरा अभी भी बना हुआ है। अमृतपाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वेस्ट बैंक के बेत इल में लोगों ने इसराइल के हमलों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। ग्राउंड जीरो पर मौजूद हमारे संवाददाता अमृतपाल ने पूरी घटना का जायजा लिया, देखिए ये विशेष रिपोर्ट। वेस्ट बैंक में एक जगह है जो सेटलमेंट है बतील, उसकी मैं अगर अपने कैमरामैन को कहूं कि आपको सिचुएशन दिखाएं, ये हालात वेस्ट बैंक के हैं जहां अभी तक इजरायली स्ट्राइक्स में दो स्ट्राइक्स हुई हैं, एक जनीन में और एक और रिफ्यूजी कैंप पर, जहां करीब 110 लोगों की मौत हो गई है, 2000 लोग घायल हैं। मैं ये पूरे पिछले 3 हफ्तों की बात कर रहा हूं। अगर मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूं कि आपको दिखाएं यहां क्या स्थिति है, लोग गुस्से में सड़कों पर उतर आते हैं। वहीं इजरायली पुलिस कहती है कि हमास चाहे राज गाजा पे करता हो, उसका बेस गाजा हो, पर यहां हमास के भी हमास के टारगेट्स हैं। तो आप देख सकते हैं ये एम्बुलेंसेस में जो लोग घायल होते हैं उनको ये एम्बुलेंसेस लेके जाती हैं। तो ये स्थिति है वेस्ट बैंक में भी, जहां लगातार अरेस्ट हो रही हैं, जहां लगातार वारदात हो रही है, उतनी तीव्र नहीं जितनी हम गाजा पट्टी में देखते हैं, पर इजरायल यहां भी जो हमास के बेसिस हैं उन पर अटैक कर रहा है। कैमरामैन एसपी दुबे के साथ अमृतपाल सिंह, डीडी न्यूज, बतील, वेस्ट बैंक। तो ये थे जमीनी सूरतेहाल और इजरायल गाजा के बीच जारी युद्ध को लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ में संघर्ष विराम का एक प्रस्ताव पारित किया गया। यूएन में यह प्रस्ताव शुक्रवार रात जॉर्डन की ओर से पेश किया गया। मानवीय आधार पर लाए गए इस प्रस्ताव के पक्ष में 120 वोट पड़े जबकि विरोध में सिर्फ 14 वोट पड़े। वहीं भारत, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी समेत 45 देशों ने मतदान से खुद को अलग रखा। प्रस्ताव में इसराइल और हमास के बीच मानवीय आधार पर तत्काल संघर्ष विराम का आह्वान किया गया है। यूएन महासभा से पारित प्रस्ताव यूं तो प्रभावी नहीं होते हैं लेकिन उनका राजनीतिक महत्व जरूर होता है। भारत ने इस प्रस्ताव में से इसलिए दूरी बनाई कि इसमें हमास द्वारा 7 अक्टूबर को इसराइल पर किए गए हमले, सैकड़ों लोगों को बंधक बनाए जाने की घटना का जिक्र ही नहीं था। इसे लेकर एक संशोधन प्रस्ताव भी आया था लेकिन वो स्वीकार नहीं किया गया। ऐसे में भारत ने स्पष्ट किया कि आतंकवाद किसी भी देश की सीमा में क्यों ना हो, पूरी दुनिया को मानवता के लिए इस बड़े खतरे के खिलाफ एकजुट होना ही होगा। संयुक्त राष्ट्र में भारत की उप स्थायी प्रतिनिधि योजना पटेल ने कहा कि भारत को नागरिकों की जान की भी चिंता है। The terror attacks in Israel on 7th October were shocking and deserve condemnation. Our thoughts are also with those taken hostages. We call for their immediate and unconditional release. Terrorism is a malignancy and knows no borders, nationality or race. The world should not buy into any justification of terror acts. Let us keep aside differences, unite and adopt a zero tolerance approach to terrorism. India is deeply concerned at the deteriorating security situation and astounding loss of civilian lives in the ongoing conflict. और अब संयुक्त राष्ट्र संघ में आए इस प्रस्ताव पर देश में भी राजनीतिक बयानबाजियां हो रही हैं। कांग्रेस नेता और महासचिव प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि भारत ने सीज फायर प्रस्ताव को लेकर वोटिंग नहीं की, यह शर्मनाक है। वहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने कहा कि फिलिस्तीन मुद्दे पर भारत सरकार में भ्रम की स्थिति है। भारत की नीति हमेशा फिलिस्तीन का समर्थन करने की रही है, ना कि इसराइल की। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी सरकार पर फिलिस्तीन मुद्दे पर, वो कई बार इसके पहले बरस चुके हैं, लेकिन
गौर करने वाली बात यह है कि विपक्ष के इन तमाम नेताओं ने आतंकवाद और हमास द्वारा 7 अक्टूबर को इसराइल पर किए गए हमले की निंदा भी नहीं की है। इतना ही नहीं, इन नेताओं ने अपने बयानों में भारत सरकार की ओर से लिए गए मानवतावादी रुख, आतंकवाद के खिलाफ उसके विरोध और हमास के आतंकवादी हमले और बंधकों की रिहाई के लिए यूएन में लाए गए संशोधन प्रस्ताव का भी कहीं जिक्र नहीं किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि यह जो बयानबाजी हो रही है वो किस तरह से एक तरफा है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। गोल्डी छोले मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। जहां जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी मसाले। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां देखे मारियो अपना समझ के खा लियो। ये खीर किसके लिए? आज तेरे दादाजी का जन्मदिन है, उनके लिए। तो मैं दादाजी को क्या दूँ? अपना मोबाइल फोन देना। ये क्या कर रही है? दादाजी के लिए आयुष्मान कार्ड बना रही हूँ। घर बैठे? हाँ। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूँढे, आधार OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करे, डिटेल्स भरें, अब मोबाइल से फोटो खींच कर अपलोड करें। दादाजी ये लीजिए अपना आयुष्मान कार्ड। ये उपहार तो जीवन भर काम आएगा। और एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। दिन दिनक दिन दिनक दिन दिन दिनक दिन जाना। अरे गोविंदा जी, आप यहाँ? हाँ बबुआ, हम यहाँ। पर तुम क्या छुपा रहे हो वहाँ? कुछ भी तो नहीं। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू। तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और एक बार बात करेंगे कि किस तरह से हमास के खिलाफ जो इसराइल के हमले हो रहे हैं, जो इसराइल और हमास के बीच का संघर्ष चल रहा है, क्या है ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट, इसके लिए जुड़ेंगे हमारे संवाददाता अमृतपाल। ग्राउंड जीरो से इस वक्त जुड़ रहे हैं अमृतपाल, आपसे सबसे पहले। और अमृतपाल के साथ हम शीघ्र ही जुड़ेंगे, उससे पहले हम बता दें कि जो आज का युद्ध है दरअसल 22वें दिन में प्रवेश कर चुका है और अब इसराइल जो है वो टैंकों से इस वक्त वार कर रहा है गाजा पट्टी में, और गाजा पट्टी में घुस करके उसने टैंकों से वार किया है। 150 सुरंगों को नष्ट करने का दावा किया गया है। इस बीच में जो वेस्ट बैंक है वहां पर इसराइल के इन हमलों के खिलाफ नागरिकों ने प्रदर्शन किया है। उनका कहना है कि इसराइल इन पूरे जो हमले चल रहे हैं इनको बंद करे, जो संघर्ष विराम की जो मांग की जा रही है उस पर वो राजी हो जाए। और हमारे साथ हमारे संवाददाता अमृतपाल जुड़ चुके हैं। अमृत, आपसे ग्राउंड जीरो से आप समझना चाहेंगे कि वहां का क्या अभी जो लेटेस्ट अपडेट है, या ये कहा जाए कि जो सबसे महत्वपूर्ण बात आप हमारे साथ, हमारे दर्शकों के साथ ग्राउंड जीरो से साझा करना चाहेंगे। देखिए निखिल, यहाँ पर जो इन्होंने ग्राउंड इन्वेजन की बात की थी वो ग्राउंड इन्वेजन इन्हें लिमिटेड मैनर शुरू हो गया है। इनकी फौजें अंदर जा चुकी हैं जमीन पर। IDF ने ये क्लियर नहीं किया है कि कितनी नफरी है उसकी, पर इनकी फौजें अंदर जा चुकी हैं और IDF ने यह भी कहा कि वो अब फील्ड पे ही हैं। कहने का मतलब ये है कि परसों रात और चौथ रात जो लोकलाइज्ड रेड्स की थी इन्होंने, जाके आप सर्जिकल स्ट्राइक कह लीजिए उसको, छोटी टीम्स अंदर गई थी, हमास के ठिकानों पे अटैक किया था और बाहर आ गई थी, पर अब वो अंदर एंटर कर गए हैं। इनके डिफेंस मिनिस्टर ने कि अभी थोड़ी देर पहले एक स्टेटमेंट आई है कि द वॉर हैज एंटर्ड अ न्यू फेस। वहीं वहां बुरा हाल हो गया है। हमास की अगर माने तो 7700 डेड हैं अभी तक।
तो 20,000 के करीब लोग घायल हैं और वहां जो इन्होंने इजराइल कह रहा है कि हमने टनल्स पे अगला फेज है, टनल्स में हम अटैक करना शुरू करेंगे और कह रहे हैं कि जो हमास है वो हॉस्पिटल्स से खासकर के अल शिफा हॉस्पिटल जो बड़ा हॉस्पिटल है गाजा सिटी का वहां से ऑपरेट कर रही है। इन्होंने कुछ वीडियो फुटेजेस रिलीज की हैं जो बॉडी कैम्स की वीडियो फुटेजेस हैं इनकी फौज की। तो इनके इन्होंने कहा कि हमारे पास सिग्नल इंटेलिजेंस है कि हमास हॉस्पिटल से ऑपरेट कर रही है। ये सब इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी चल रही है। हमास का जो की पिक्चर जो हमास दे रही है वो अलग है, जो इजराइल फौज दे रही है वो अलग है, पर रियलिटी ये है कि लगातार बॉम्बिंग हो रही है और एरियल बॉम्बिंग हो रही है और ग्राउंड क्लोज कॉम्बैट भी हो रहा है। दूसरी बात यह है कि इन्होंने वहां पर इंटरनेट फोन सर्विसेज ये सब बंद कर दिया है, वहां कम्युनिकेशंस नहीं हो पा रही और WHO चीफ ने तो यहां तक कह दिया कि हमारा अपने स्टाफ से रابطہ खत्म हो गया है, वो WHO की जो टीम्स वहां हैं उनके साथ WHO का कोई रابطہ नहीं है। तो स्थिति लगातार हर घड़ी बिगड़ती जा रही है यहां। निश्चित तौर पर हर घड़ी ये स्थिति बिगड़ती जा रही है। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए अमृतपाल जलजूलिया, इसराइल से जुड़े हुए थे हमारे संवाददाता अमृतपाल। वो बता रहे थे कि किस तरह से युद्ध इंटेंसिफाई हो गया है, तेज हो गया है और जमीनी युद्ध भी अब तेज हुआ है और स्थितियाँ किस तरह से बिगड़ रही हैं। और आज हमारा जो विशेष है वो भी इसी पर आधारित होगा। आज का हमारा विशेष है इसराइल हमास युद्ध, खेमों में बटी दुनिया, चूंकि संयुक्त राष्ट्र में एक प्रस्ताव लाया गया संघर्ष विराम को लेकर के, उसमें खेमों में बटी दुनिया दिखाई पड़ी साफ तौर पर। इसराइल हमास युद्ध, खेमों में बटी दुनिया, आज का हमारा ये विशेष है। और इस पर खास मेहमान चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ एम्बेसडर शीलकांत शर्मा जो कि फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट है जुड़े हुए हैं। एम्बेसडर शर्मा बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ गौरी द्विवेदी जो कि सीनियर एडिटर हैं द इकोनॉमिक टाइम्स में। गौरी मैम बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। एम्बेसडर शर्मा, अगर आपके साथ शुरुआत करना चाहें और जिस तरह से जो प्रस्ताव पारित हुआ जॉर्डन की तरफ से लाया गया, आप उसके डिटेल्स अच्छी तरह से जानते हैं, तो किस तरह से देखते हैं इस प्रस्ताव को और क्या इस पर आपका कमेंट रहेगा? क्योंकि ये देखने में आया कि दुनिया के काफ़ी सारे देशों ने एब्सटेन भी उसमें किया, बहुत कम देश ऐसे रहे जिन्होंने उसका विरोध किया और उसको लेकर के तमाम तरह की जो बयानबाजियाँ हैं वो भी जारी हैं। देखिए, ये प्रस्ताव यूनाइटिंग फॉर पीस के तत्वावधान में लाया गया था। अगर सुरक्षा परिषद कोई काम नहीं कर पा रही है, जो कि पिछले 22 दिनों में बिल्कुल काफी जाहिर था कि सुरक्षा परिषद के पास जो रेजोल्यूशन आए वो सब वीटो होते रहे, उनके ड्राफ्ट तैयारी नहीं थे, स्वीकार नहीं थे, तो फिर जनरल असेंबली में ये बात आई और जनरल असेंबली का इमरजेंसी सेशन, 10th इमरजेंसी स्पेशल सेशन किया गया। उसमें जब ये रेजोल्यूशन कल आया तो उसने जो बड़ा विराट मतभेद है दुनिया में इस समय इसको लेके, इस पूरे विषय को लेकर, वो एकदम से जाहिर हुआ, क्योंकि जहां इजराइल के जो अलाइज हैं अमेरिका और दूसरे जो देश हैं यूरोप वगैरह के, उन लोगों को इजराइल वो जो प्रस्ताव में जो चीजें चाहिए थी वो नहीं मिली तो वो नाराज थे। और दूसरी तरफ चूंकि 22 दिन हो गए हैं और इसराइल का जो रिटेलिएशन है उससे लगातार फिलिस्तीनियों पर हमले हो रहे हैं, उनके लिए एक बड़ी भारी त्रासदी पैदा हो गई है, मानवीय रूप से बड़ा संकट है वहां पे, भीषण संकट है। तो सारे जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो दक्षिण के राष्ट्र हैं, जो उनमें बहुत सहानुभूति है पैलेस्टीनियंस की, तो उन राष्ट्रों ने उस रेजोल्यूशन को सपोर्ट किया, इसलिए क्योंकि वो ह्यूमैनिटेरियन ट्रूस की बात करता है, मतलब एक संघर्ष विराम की बात करता है जो कि मानवीय दृष्टिकोण से जरूरी है जी। तो इसका उन्होंने सपोर्ट किया, परंतु उनके सपोर्ट से जो डिवीजन था वो दूर नहीं हुआ, जो बटा हुआ है यूएन वो उसमें कोई सुधार नहीं है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि इस ऐसे मौके पर जब सिचुएशन बड़ी भीषण है, जहां 7,700 से ज्यादा पैलेस्टीनियंस लोग मारे जा चुके हैं, इजराइल की अभी जो शुरू में अटैक हुआ था वो बहुत भयंकर था, तो ऐसे में
दुनिया को एक इकट्ठे होके एक कंसेंसस के साथ एक यूनाइटेड उसके साथ बात कहनी चाहिए, वो नहीं हो पाई यूएन में अभी तक। और यूएन की जो इफेक्टिवनेस है, उसकी जो प्रभावशीलता है, उस पे एक बड़ा भारी सवालिया निशान आ गया है, तो वो कुछ नहीं कर पा रहा है। और ऐसी स्थिति में अगर डिविजिव बात को लेके आगे बढ़ेंगे तो शांति करने के लिए और बातचीत शुरू करने के लिए, डायलॉग और होस्टेज के रिलीज की बात करने के लिए, इन सब के लिए जो बननी चाहिए वो नहीं बन पाएगी। देखिए, इसमें ये भी हुआ था कि क्योंकि ये जो प्रस्ताव पास हुआ है, इसमें कहीं भी हमास का की भर्त्सना नहीं की गई, हमास का नाम नहीं है जी। और दूसरा, इसमें जो होस्टेजेस हैं उनकी भी बात नहीं की गई, जो होस्टेज को जन कहा गया कि जो लोग से उनको रोका जाए जी। दरअसल वो एक बड़ा सवाल रहा कि ना होस्टेजेस की बात की गई और ना हमास का जो आतंकी हमला है उसकी कोई बात कही गई। गौरी द्विवेदी जी, आपको लगता है कि ये जो जिस तरह से इसको इसको साइड करना या इसको एस्केप करना, ये शायद एक तरह से आतंकवाद के मुद्दे पर भी अगर कहा जाए कि खेमों में बढ़ गई है दुनिया, तो गलत नहीं होगा। और साथ ही साथ ये भी समझना चाहेंगे कि ये जो प्रस्ताव है इसका कोई बाइंडिंग तो नहीं है, लेकिन इसका राजनीतिक महत्व क्या कुछ हो सकता है? नहीं निखिल जी, आपने बहुत इम्पोर्टेंट सवाल पूछा। ये बात सही है कि यूएन जनरल असेंबली के रेजोल्यूशंस बाइंडिंग नहीं होते, ये नॉन बाइंडिंग है नेचर में। तो अगर ये इससे भी ज्यादा अगर एक्सट्रीम रिजल्ट होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, जहां तक इसराइल या अमेरिका की बात करें, बिकॉज इसराइल का सबसे बड़ा समर्थक ऑफकोर्स अमेरिका है। तो कोई बाइंडिंग नेचर नहीं है इन रेजोल्यूशंस का, राजनीतिक इम्पैक्ट है, और ये हम इंडिया में भी देख रहे हैं। और जब से ये रिजल्ट आया तब से एक पोलिटिकल स्लगफेस्ट, जिसे हम बोले अंग्रेजी में, वो चल पड़ा है विपक्षी दलों में और सरकार के बीच में कि क्यों इंडिया ने एब्स्टेन किया। अब जहां तक आपने पहले पूछा हॉस्टेज और हमास के रेफरेंस के बारे में, मैं ये बता दूं, अम्बेसडर शर्मा ने जो बोला बिल्कुल सही बोला कि दुनिया बढ़ चुकी है, संयुक्त राष्ट्र बढ़ चुका है, और संयुक्त राष्ट्र की सीमा हमें पता चल गई है कि वो कोई भी युद्ध हो, चाहे वो इसराइल हमास का हो या पहले रशिया यूक्रेन का हो, वो एक टूथलेस बॉडी बन चुकी है जिसमें उसका एक कोई महत्वपूर्ण योगदान अब नहीं है किसी भी स्तर पर युद्ध को रोकने का। वो अब उसमें शक्ति नहीं है, यूएन नहीं कर सकता एज अ यूनाइटेड बॉडी। इस रेजोल्यूशन की बात करें तो 22 अरब कंट्रीज ने इसे ड्राफ्ट किया, जॉर्डन ने इसे पेश किया, बट 22 अरब कंट्रीज ने इसको ड्राफ्ट किया। तो इसमें जाहिर सी बात है हमास और हॉस्टेज का रेफरेंस नहीं था, तो इसका समर्थन करना, ये बात सही है, इसका समर्थन करना कहीं ना कहीं आतंकवाद के खिलाफ ना बोलना माना जा सकता है। और मुझे लगता है भारत सरकार की कूटनीति रही है कि उन्होंने इस पर एब्स्टेन किया, और उन्होंने नहीं, 44 और देशों ने किया, वो देश जो यूएस के एलाइज हैं, चाहे आप यूके की बात करें, जर्मनी की बात करें, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये सब अमेरिकन एलाइज हैं, उन सब ने एब्स्टेन किया। क्योंकि इस युद्ध के दो पहलू हैं, आपने बोला पैलेस्टाइन करीब 7,500 लोग उसमें मारे जा चुके हैं, ये नंबर कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि ये एक्चुअल नंबर हो, बट बहुत हाई कैजुअल्टी हो चुकी है। बट लेकिन इसकी जो शुरुआत हुई वो 7 अक्टूबर को जो हुई अनप्रोवोक्ड असॉल्ट जिसे कहते हैं, उसकी अगर निंदा नहीं की जा रही है तो इस रेजोल्यूशन को सपोर्ट करना कहीं ना कहीं मानवता। और उसमें जो अभी बंधक है उनकी तो बात भी नहीं की जा रही है, तो यानी कि ये तो उसी तरह की बात हुई कि आपके ऊपर कोई अटैक करे और अगर आप उस पर रिटेलिएट करते हैं तो ये कहा जाए कि भाई आप मानवीय आधार पर उसको छोड़ दे, लेकिन जो बंधक बनाए हैं उनकी कोई बात नहीं कही गई। इसमें गौरी जी एक चीज और समझना चाहेंगे कि जो हमारे यहाँ पर जो राजनीतिक रूप से तमाम सारी आपने बयानबाजियां उसमें देखी होंगी, आपको नहीं लगता है कि जो एक एंड है, दरअसल इसका जो एक सिरा है उसको बताया नहीं गया है, और तमाम बयानों में वो चाहे कांग्रेस नेताओं के रहे या फिर जो दूसरे नेताओं के रहे, वो इस बात को बता नहीं रहे हैं अपने कमेंट में कि आखिर भारत ने इसमें एब्स्टेन क्यों किया और भारत का जो आतंकवाद के खिलाफ का जो रुख रहा है उसके बारे में बात करते हुए नहीं दिखाई दे रहे, केवल एक पिक्चर जो है वही पेश करने की कोशिश कर रहे हैं।
निखिल जी, चुनावी माहौल अब तेजी से गर्म हो रहा है, तो जाहिर सी बात है जब इलेक्शन सीजन होगा तो इस तरह का मुद्दा एक बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल मुद्दा हो सकता है विपक्षी दलों के लिए, तो इसीलिए उन्होंने सिर्फ एक ही पहलू को आगे बढ़ाया और एक ही पहलू से उन्होंने सारी बयानबाजी करी। आपने बोला अपनी स्टोरी की शुरुआत में कि किन किन विपक्षी दलों ने इसके खिलाफ बोला और उन्होंने सरकार से पूछा कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन जैसा मैंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट असेंबली इलेक्शंस बिल्कुल सर पर आ चुके हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मणिपुर, तेलंगाना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र हैं, बहुत इंपॉर्टेंट राज्य हैं, और इसमें विपक्षी दलों को पता है कि माइनॉरिटी वोट की भी एक वैल्यू है। इस वजह से ये मुद्दा मुझे लगता है आगे जाके भी, आगे कुछ हफ्तों में और ज्यादा गर्म होगा, इसमें आप देखेंगे भैंसा भैंसी और ज्यादा बढ़ेगी, और इसमें सरकार को अपनी जो जितनी भी सारी आर्ग्यूमेंट है उसे और स्पष्ट तौर से आगे रखना पड़ेगा कि जो हॉस्टेज की बात है उसे जब तक वो पूरी तरह से नहीं समझाएंगे तो मुझे लगता है बात जो मैसेज है वो कन्वे नहीं हो पाएगा। बिल्कुल, और ये जो ये बात है कि भारत शांति चाहता है और अब अगर कोई कह दे कि भारत आतंकवाद के पक्ष में खड़ा हो जाए तो ये शायद संभव नहीं है, और ये बात सरकार की तरफ से बार बार कही गई है, मुझे लगता है आगे भी कही जाएगी। फिलहाल एम्बेसडर शर्मा, एक बात समझना चाहेंगे कि आप देख रहे हैं कि किस तरह की कूटनीतिक प्रयास जो भी किए जा रहे हैं उसके क्या परिणाम है, वो भी आप देख रहे हैं, और अब खेमों में बटी हुई दुनिया आपको नजर आ रही है, किस तरह से अब आगे युद्ध जाता हुआ आपको दिख रहा है, क्या आगे देख रहे हैं आप इसमें? युद्ध को रोकने के लिए और संघर्ष को विराम देने के लिए ये इफेक्टिव नहीं है जो यूएन रेजोल्यूशन है जी। और ये जरूरी बात यह है कि मीडिएशन जरूरी है, जो जिन राष्ट्रों का इजराइल और हमस के ऊपर प्रभाव है वो बात करें उनसे और किसी तरह से उनको इस भयंकर सिचुएशन से खींच के बाहर निकालें। तो ऐसे में ऐसे काम होने के लिए यूएन में जो खेमे में बटा हुआ एक प्रस्ताव है और जो मैसेज है वो मददगार नहीं साबित होती। और आपको बताऊं कि इस मैसेज, इस प्रस्ताव के दौरान इसको कनाडा ने एक अमेंडमेंट भी किया जी। जो इस बात को लेके कि भाई जो भर्सना तो आप कीजिए, जो 7 अक्टूबर का हुआ था जी, तो उस अमेंडमेंट को विफल कर दिया गया, क्योंकि बाकी जो 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 फिलिस्तीनियों के लिए सिंपैथी है जो डेवलपिंग कंट्रीज में उनकी मेजोरिटी है यूएन की जनरल असेंबली में, तो उन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया, तो वो अमेंडमेंट खारिज हो गया जी। तो ये बात साफ हो जाती है कि यूएन में जिस तरह का जो बटा हुआ यूएन है उससे क्या निकल के आ सकता है। और जो आप बात कर रहे हैं, जैसे ये पूरा पखेड़ा शुरू कैसे हुआ, ये विध्वंसक थिंग, वो 7 अक्टूबर शुरू हुई, तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य है वो 7 अक्टूबर से कनेक्टेड है। अब उसको जो अरब कंट्रीज हैं और बाकी लोग जो हैं वो पूरे लंबे परिप्रेक्ष्य में लाना चाहते हैं, 50 साल का परिप्रेक्ष्य। तो 7 साल के परिप्रेक्ष्य में तो यूएन में कई रेजोल्यूशन आए, दर्जनों जो प्रस्ताव आए और उनपे हमेशा पोजिशन ली गई, पर इसराइल मानता नहीं उन प्रस्तावों को, क्योंकि वो सारे प्रस्ताव, और भारत ने उन प्रस्तावों का हमेशा सपोर्ट किया जी। और जी, आपने बाइंडिंग की बात की, तो जनरल असेंबली के रेजोल्यूशन जो हैं वो बाइंडिंग नहीं होते जी, पर सिक्योरिटी काउंसिल के कुछ रेजोल्यूशन बाइंडिंग होते हैं जो चैप्टर 7 के अंदर जी, पर वो रेजोल्यूशन भी माने नहीं गए। तो ये जो इतिहास है पूरा मध्य पूर्व का के युद्ध का, और ये पूरे ये आज की बात नहीं है या 15 दिन 20 दिन की बात नहीं है जी, लेकिन तो बहरहाल भारत का स्टैंड जो है वो बिल्कुल क्लियर है इस पर कि वह आतंकवाद के साथ कतई खड़ी नहीं हो सकता, हमारा देश कतई खड़ा नहीं हो सकता, और कितना भी किसी भी तरह का प्रेशर कोई बनाने की कोशिश करे, चाहे वो देश में हो या इंटरनेशनल लेवल पर हो, भारत का अपना जो स्टैंड है वो बिल्कुल साफ है, और भारत ये भी चाहता है कि युद्ध जो है वो इसका परिणाम, किसी भी समस्या का परिणाम नहीं है, शांति ही की खोज की बात भारत हमेशा करता रहा है। आज के जो स्टेटमेंट्स आए हैं उसमें भी साफ तौर पर कहा गया है कि इसमें कोई एक ऐसा हल निकाला जाना चाहिए जिससे वार्ता की मेज पर बैठकर दोनों तरफ के लोग बातचीत कर सके। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका एम्बेसडर शर्मा और मैडम गौरी द्विवेदी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस विषय पर बातचीत करने के लिए, और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो आपको बताएंगे कि टीएमसी सांसद महुआ मुत्रा की मुश्किलें कम होने का नाम आखिर क्यों नहीं ले रही हैं। अगर छोले बने तो गोल्डी छोले।
गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहाँ देखे मारियो अपना समझ के खा लियो। हमारे हर निर्णय, हमारे हर दिशा, उसका एक ही मानदंड है, नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम। आयकर के रूप में दिया हमारा योगदान कर रहा है नव भारत का निर्माण, देश को ले जा रहा है नई ऊंचाइयों पर, नए कीर्तिमानों की ओर। आइए राष्ट्र प्रथम के इस संकल्प को अपने कर्तव्य से और मजबूत करें। सभी टैक्स डिडक्टर्स ध्यान दें, 30 सितंबर 2023 को समाप्त हुई तिमाही के लिए 31 अक्टूबर 2023 तक अपना TDS विवरण अवश्य ई फाइल करें। 200 रुपए प्रतिदिन की लेट फीस और 1,00,000 रुपए तक के जुर्माने से बचने के लिए समय पर अपनी TDS विवरणी ई फाइल करें। अधिक जानकारी के लिए incometax.gov.in पर जाएं। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और TMC सांसद महुआ मोइत्रा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। महुआ को लोकसभा आचार समिति का नोटिस मिला है, जिसमें उन्हें कैश के बदले सवाल मामले में 2 नवंबर को पेश होने को कहा गया है। महुआ ने 5 नवंबर तक का वक्त मांगा था, लेकिन समिति ने उन्हें और छूट देने से इनकार कर दिया। TMC सांसद महुआ मोइत्रा को लोकसभा की एथिक्स कमेटी ने 2 नवंबर को पेश होने के लिए बुलाया है। इससे पहले महुआ को कमेटी ने 31 अक्टूबर को तलब किया था, लेकिन उन्होंने अपने व्यस्त कार्यक्रमों का हवाला देते हुए पेश होने के लिए और समय देने की मांग की थी। इस बीच केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने महुआ मोइत्रा के पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के मामले पर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है और इस पर कार्रवाई की सख्त जरूरत है। तो वहीं पश्चिम बंगाल BJP महासचिव और विधायक अग्निमित्रा पॉल ने भी देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाली महुआ मोइत्रा को बर्खास्त करने की मांग की। संसदीय कमेटी ने किसी को तलब किया है तो जाना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए, और जो गलतियां हुई हैं अगर वो स्वीकार नहीं करेंगी तो सच्चाई छिपती नहीं। देश जानना चाहता है कि आखिरकार सांसद बिक कैसे गए। अब सांसदों को चलाएंगे, ये अपने आप में बहुत चिंता का विषय है। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा का भी और भ्रष्टाचार का भी, ये दोनों ही साथ में जुड़ते हैं। तो मुझे लगता है इस मामले में जल्द जांच और फिर उसके बाद कार्रवाई भी होनी चाहिए। सी महुआ मोइत्रा नाउ नीड्स टू सी हर ओवर स्मार्टनेस दैट शी ऑलवेज ट्राइज टू गिव अ पिक्चर ऑफ। शी हैज टू सी मेनी थिंग्स, बट शी हैज एक्नॉलेज्ड इन द इंटरव्यू व्हिच शी हैज गिवन एन इंटरव्यू टू डेज बैक, यू नो, इन अ चैनल। शी सेड दैट द क्वेश्चंस वर माइन बट आई हैड गिवन टू दर्शन हीरानंदानी टू शेयर इट फ्रॉम हिज ऑफिस। व्हाई? If the questions were yours, you have a team of your own, why was it given to a citizen of Dubai, who is not even a citizen of India? And not one question, 51 questions out of 60 questions. So Mahua Maitra, your over smartness is finished. And we want Mahua Maitra, who has played with the nation's security, should be sacked. इससे पहले 26 अक्टूबर को लोकसभा की एथिक्स कमेटी ने पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में वकील जय आनंद देहादराई और भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के बयान दर्ज किए थे। इस दौरान निशिकांत दुबे ने महुआ मोइत्रा को तत्काल बर्खास्त करने की मांग की थी। TMC सांसद महुआ मोइत्रा पर उपहार और पैसे के बदले संसद में सवाल पूछने का आरोप है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर महुआ पर पैसे लेकर एक व्यापारी दर्शन हीरानंदानी के हित से जुड़े सवाल पूछने का आरोप लगाया है। इससे अब महुआ की संसद सदस्यता पर भी खतरा मंडराने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD News।
और पश्चिम बंगाल में पीडीएस राशन वितरण में भ्रष्टाचार के कथित मामले में मंत्री ज्योतिप्रिया मलिक की गिरफ्तारी पर केंद्रीय मंत्री निशीत प्रमाणिक ने कहा कि अगर कोई अपराध करता है तो उसे सजा भुगतनी होगी। उन्होंने कहा कि जो कुछ भी हो रहा है वो निष्पक्ष संस्थाओं द्वारा किया जा रहा है और सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। कोई भी अगर अपराध करते हैं तो उसका बिल्कुल साझा होगा और भारत का संविधान का ऊपर और भारत का जुडिशियरी, देश का जुडिशियरी के ऊपर, आईन व्यवस्था के ऊपर हम लोगों का पूर्ण विश्वास और आस्था है। जो भी हो रहा है निश्चित रूप से एक निरपेक्ष जो जो संस्था है उनके माध्यम से हो रहा है और सच क्या है ये भी बहुत सामने आएगा। और प्याज की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने को लेकर सरकार ने एक और कदम उठाया है। निर्यात होने वाली प्याज का मूल्य सरकार ने तय किया है। प्रति मीट्रिक टन इसकी कीमत अब 800 अमेरिकी डॉलर होगी, यानी निर्यात के लिए सरकार ने 67 रुपए प्रति किलो का मूल्य तय किया है। यह कीमत 31 दिसंबर तक लागू रहेगी। वहीं सरकार 2,00,000 टन अतिरिक्त प्याज बफर स्टॉक के लिए खरीदेगी। बफर स्टॉक के लिए 5,00,000 टन पहले से ही खरीदारी की जा चुकी है। ये सभी प्रयास घरेलू बाजार में प्याज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए किए जा रहे हैं। और रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बाद दिखाएंगे आपको 5 राज्यों के चुनावी रंग को। मैं कह जी सब जानते हैं, जहां देखे मारियो अपना समझ के खा लियो। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर वन सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। दादी आज भी आपकी चाय की दुकान बंद थी? एक महीने से बीमार हूँ, काम बंद और इलाज का खर्चा अलग। आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया? नाम सुना है, कहाँ बनवाना है, कैसे बनवाना है, इस उम्र में भाग दौड़। कार्ड अभी बन जाएगा। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें, आधार ओटीपी या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें और मोबाइल से फोटो खींच कर अपलोड करें। बन गया, अब ठीक होकर अपने हाथ की चाय पिला दो। और एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5,00,000 तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। मैं कह जी सब जानते हैं, जहां देखे मारियो अपना समझ के खा लियो। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अब कुछ ही दिनों का समय बाकी है वोटिंग के लिए, और जनता के बीच अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए दिग्गज चुनावी मैदान में उतर पड़े हैं। इस कड़ी में जहां आज से बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह 3 दिन के प्रवास पर हैं, तो वहीं बीजेपी का किला भेदने के लिए दामोह पहुंची हैं प्रियंका गांधी, और उन्होंने वहां सरकार पर, बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। वहीं छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए वादों की झड़ी लगा दी, तो बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने उन पर तंज कसा। मध्य प्रदेश में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गरजे और खूब गरजे। छिंदवाड़ा में उन्होंने कांग्रेस नेता कमलनाथ को उनके विधानसभा क्षेत्र में तो जमकर खरी खरी सुनाई और परिवारवाद पर हमला बोला। गांधी परिवार, कमलनाथ परिवार और दिग्विजय बंटाधार परिवार, ये 3 परिवार कांग्रेस पार्टी चलाते हैं, और जहाँ 3 तिगड़ा होता है ना वहाँ काम बिगड़ जाता है। हमारे गुजरात में कहावत है 3 तिगड़ा काम बिगड़ा, और यहाँ पर क्या होता है, आदेश गांधी परिवार का चलता है, निर्देश कमलनाथ का चलता है, और जब गलती होती है
तो चाटा बिचारे बंटाधार दिग्विजय के गाल पर ठोक देते हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भी प्रचार में तेजी ला रही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने दामोह जनसभा में प्रदेश की मौजूदा सरकार पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लोगों का जीवन संघर्ष में बीत रहा है। वहीं उन्होंने शिवराज सिंह चौहान के दांव पेच से महिला मतदाताओं को बचने की भी सलाह दी। साथ ही उन्होंने आरोप लगाए कि भाजपा सरकार ने प्रदेश का विकास नहीं किया, इसलिए राज्य से पलायन अभी भी जारी है। जबकि मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पूरे दिन कार्यकर्ताओं और मतदाताओं से जनसंपर्क करने में जुटे रहे। उन्होंने धार में 12वीं कक्षा में टॉप करने वाली छात्रा के घर जाकर मुलाकात की, तो वहीं उन्होंने बुरहानपुर में कार्यकर्ताओं के साथ भोजन किया। महेश्वर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए अपनी उपलब्धियां गिनाई। 1250, 1750 से बढ़ा के 2200, 2000 से बढ़ा के 2250, फिर 2500, फिर 2750 और अंत में कितने करूंगा? 3000 करूंगा। जबकि 90 विधानसभा सीटों वाले पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी कांकेर कोडेगांव में चुनावी रैली की। उन्होंने भाजपा सरकार पर राजनीतिक हमले तो किए, रैली में उन्होंने जातिगत जनगणना की बात एक बार फिर दोहराई। साथ ही दावा किया कि कांग्रेस की सरकार अपने सभी चुनावी वादों को पूरा करेगी। कि जिस काम को बीजेपी ने कहा था कि नहीं किया जा सकता, उस काम को हमने 2 घंटों में करके दिखा दिया पूरे प्रदेश को। घोषणा करने में राहुल गांधी आजकल कमाल का काम कर रहे हैं। बयान बहादुर, घोषणा बहादुर। इसको बंद करो। घोषणा करना है, करना तो है नहीं, तो घोषणा करने में क्या दिक्कत है। जबकि सत्ता में वापसी के लिए भाजपा भी चुनावी प्रचार में तेजी ला रही है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने कांग्रेस पर आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत की है। उन्होंने रायपुर में चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं के कथित उत्पीड़न को लेकर अधिकारियों पर आरोप लगाए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भाजपा का झंडा लेकर जाने वाली गाड़ी को राज्य में रोका जा रहा है, भाजपा नेताओं को डराने के लिए उनकी हत्या की जा रही है। मध्य प्रदेश की सभी 230 विधानसभा सीटों के लिए 17 नवंबर को मतदान होगा। वहीं छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों के लिए 2 चरणों में मतदान होना है। 20 सीटों के लिए 7 नवंबर को जबकि 17 नवंबर को 70 सीटों के लिए मतदान होगा। मुख्य चुनावी मुकाबला भाजपा कांग्रेस के बीच में है। एक ओर शिवराज सिंह अपनी सत्ता बचाने की जोर आजमाइश कर रहे हैं, तो वहीं छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की साख दांव पर है। डीडी न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट। तो यही बात मध्य प्रदेश की। वहीं राजस्थान और मिजोरम में भी चुनाव प्रचार पूरे रंग में दिख रहा है। मिजोरम में तो 7 नवंबर को वोटिंग होनी है, तो यहां पर नेता अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं ताकि जनता को प्रभावित किया जा सके। और राजस्थान में अभी निष्ठाएं बदलने का दौर जारी है। राजस्थान में कांग्रेस के कई नेताओं ने भाजपा का दामन थाम लिया है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव जोर पकड़ता नजर आ रहा है। इसी कड़ी में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मिजोरम में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि पहले की केंद्र सरकारें पूर्वोत्तर पर ध्यान नहीं देती थीं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी की नीति को लागू कर पूर्वोत्तर को मुख्य धारा में शामिल किया। नड्डा ने कहा कि पूर्वोत्तर में विकास कार्य काफी तेजी से हो रहा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक्ट ईस्ट, लुक ईस्ट, पूर्व के तरफ देखो, पूर्व के लिए काम करो, इस नीति के तहत राजस्थान में कांग्रेस के कई नेताओं ने भाजपा का दामन थाम लिया। राजस्थान भाजपा अध्यक्ष चंद्र प्रकाश जोशी ने कहा कि कांग्रेस ने राज्य की जनता से झूठे वायदे किए हैं। वहीं राजस्थान सरकार में मंत्री प्रताप सिंह खाचरीवास ने कहा कि कांग्रेस का एक तरफा माहौल है। राजस्थान की जनता उनसे पूछ रही है कि किसानों से कर्ज माफी की गारंटी का क्या हुआ,
युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की गारंटी का क्या हुआ? आपने महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी दी थी, उसका क्या हुआ? आपने राजस्थान के विकास की गारंटी दी थी, उसका क्या हुआ? आपने महंगाई रोकने की गारंटी दी थी, उसका क्या हुआ? जैसे जैसे जनता का वोट बढ़ रहा है, वैसे वैसे वो नेता जा रहे हैं जो जनता से जुड़े हुए नहीं है। अभी मैं पब्लिक में जाकर आया, एक तरफा माहौल है कांग्रेस का। आम आदमी पार्टी ने राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए 21 उम्मीदवारों की दूसरी सूची की घोषणा की। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बताएंगे आपको कि दिल्ली की हवा आखिर रोज रोज क्यों, हर दिन और जहरीली क्यों होती जा रही है। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो अपना समझ के खा लियो। गोल्डी छोले मसाले, जहां जाए रिश्ते बनाए, जहां जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। हमारे हर निर्णय, हमारे हर दिशा, उसका एक ही मानदंड है, नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम। आयकर के रूप में दिया हमारा योगदान कर रहा है नव भारत का निर्माण, देश को ले जा रहा है नई ऊंचाइयों पर, नए कीर्तिमानों की ओर। आइए राष्ट्र प्रथम के इस संकल्प को अपने कर्तव्य से और मजबूत करें। सभी टैक्स डिडक्टर्स ध्यान दें, 30 सितंबर 2023 को समाप्त हुई तिमाही के लिए 31 अक्टूबर 2023 तक अपना TDS विवरण अवश्य ई फाइल करें। 200 रुपए प्रतिदिन की लेट फीस और 1,00,000 रुपए तक के जुर्माने से बचने के लिए समय पर अपनी TDS विवरणी ई फाइल करें। अधिक जानकारी के लिए incometax.gov.in पर जाएं। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और दिल्ली में जहरीली हवा का स्तर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, और आज दिल्ली की AQI 300 के पार पहुंच गई, जो कि बेहद खराब श्रेणी में आती है। पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं में इजाफा हुआ है, तो बाकी उत्तरी राज्यों में भी इन पर नियंत्रण नहीं पाया जा सका है। ठंड का मौसम आने के साथ ही दिल्ली NCR की हवा प्रदूषित होती जा रही है। बीते 24 घंटों में राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में हवा की गुणवत्ता में तेजी से गिरावट आई है। शनिवार को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से जारी आंकड़ों ने चिंता और भी बढ़ा दी है। दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक 300 के पार पहुँच गया। शुक्रवार के मुकाबले शनिवार को दिल्ली की AQI में 43 अंकों की बढ़ोतरी हुई और ये 304 पर पहुंच गया, जो कि हवा की बेहद खराब श्रेणी को दर्शाता है। वहीं NCR के दूसरे शहरों के हालात भी कुछ अच्छे नहीं रहे, और इन शहरों में भी AQI तेजी से बढ़ा है। शनिवार को फरीदाबाद का AQI 272, गुरुग्राम का 252, गाजियाबाद का 291 और नोएडा का 286 रिकॉर्ड किया गया। इन सभी जगहों का AQI खराब श्रेणी में है, जबकि ग्रेटर नोएडा का AQI 346 रहा, जो कि बेहद खराब श्रेणी में है। यूं तो बदलते मौसम और प्रदूषण के दूसरे कारकों की वजह से हवा की गुणवत्ता खराब हो रही है, लेकिन पंजाब समेत उत्तरी राज्यों में पराली जलाने की घटनाओं में आई तेजी भी दिल्ली NCR की हवा को और दम घोंटू बना रही है। खास बात है कि पिछले 3 वर्षों की तुलना में इस बार फसल अवशेष जलाने की घटनाएं कम हुई हैं, लेकिन इनसे निजात नहीं पाई जा सकी है। वहीं पिछले 3 दिनों में पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं में तेजी से इजाफा हुआ है, जबकि धान की कटाई का सीजन अभी अपने चरम पर आया ही नहीं है। अन्य कारणों के साथ साथ पराली एक इम्पॉर्टेंट और एक महत्वपूर्ण कारण बनता है, और जो एक बड़ा कंट्रीब्यूटर बनता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये एक लिमिटेड विंडो है जिस दौरान हमें बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है। फ्रेमवर्क बना के दिया सबके साथ चर्चा करके, और सारे सेंट्रल गवर्नमेंट्स के उसमें उस भागीदारी थी, उसमें स्टेट गवर्नमेंट्स थी, बाकी एजेंसीज थी, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं उनके साथ मिलके हमने एक फ्रेमवर्क बनाया कि किस तरह से इसका इस पर निजात पाया जा सके, इस पर कंट्रोल किया जा सके। बीते दिनों हरियाणा और दिल्ली के बीच पराली जलाने की घटनाओं की संख्या को लेकर तकरार की स्थिति देखी गई। हरियाणा ने नासा की तस्वीरें जारी कर दावा किया कि उनके राज्य की तुलना में पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं कहीं अधिक हुई हैं,
और दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार इस बारे में भ्रम फैलाना बंद करे। फिलहाल चिंता की बात यह है कि ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी ग्रैप के दूसरे चरण में कई पाबंदियां लगाने के बावजूद भी प्रदूषण नियंत्रित नहीं हो रहा है और दिल्ली एनसीआर के लोग जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और चीन के होंगझू में चल रहा पैरा एशियन गेम्स में भारतीय एथलीट्स का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारतीय पैरा एथलीट्स ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए पहली बार 111 पदक जीते हैं, जिसमें 29 स्वर्ण, 31 रजत और 51 कांस्य पदक शामिल हैं। यह पहली बार है जब भारत ने इन खेलों में 100 पदक जीतने का आंकड़ा पार किया है। और खबर क्रिकेट के मैदान से, वनडे विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को 5 रन से हरा दिया। रोमांचक मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया द्वारा जीत के लिए मिले 389 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड की टीम को आखिरी गेंद पर जीत के लिए 6 रन की जरूरत थी, लेकिन लॉकी फर्ग्यूसन छक्का नहीं लगा सके और ऑस्ट्रेलिया ने 5 रन से मैच अपने नाम किया। ऑस्ट्रेलिया के लिए ट्रेविस हेड ने 109 रन और डेविड वार्नर ने 81 रन की पारी खेली। यह ऑस्ट्रेलिया की चौथी जीत है, जबकि न्यूजीलैंड की यह दूसरी हार है। दोनों टीमें 6 में से 4 मैच जीतकर अंक तालिका में तीसरे और चौथे स्थान पर हैं। वहीं न्यूजीलैंड के लिए रचिन रविंद्र ने 116 रन बनाए, जेम्स नीशम ने 58 और डेरिल मिचेल ने 54 रन की पारी खेली। जॉश हेजलवुड और पैट कमिंस ने 2-2 विकेट मिले, ग्लेन मैक्सवेल ने 1 विकेट झटका। तो न्यूज नाइट के आज के इस अंक में बस इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं सुपरफास्ट खबरों के साथ। आप देखिए सुपरफास्ट खबरें, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। पंजाब में एसएस नगर पुलिस ने एक आतंकवादी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। इसके साथ ही संगठन बाबर खालसा इंटरनेशनल के 4 गुर्गों को भी गिरफ्तार किया गया है। ऑपरेशन के दौरान 6 पिस्तौल और 275 कारतूस बरामद किए गए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज विशाखापट्टनम के दौरे पर हैं। उपराष्ट्रपति ने आज विशाखापट्टनम में INS डेगा एयरबेस पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण किया। प्रदूषण के मामले में मुंबई की स्थिति भी चिंताजनक है। शनिवार सुबह मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के पास वायु गुणवत्ता सूचकांक 301 दर्ज की गई, जो सांस लेने के लिए बेहद खतरनाक माना जाता है। महर्षि वाल्मीकि जयंती हर वर्ष की तरह इस बार भी धूमधाम से मनाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाल्मीकि जयंती के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी। पीएम ने एक्स पर अपने संदेश में देशवासियों को वाल्मीकि जयंती की अनंत शुभकामनाएं दी। शरद पूर्णिमा के मौके पर श्रद्धालुओं ने प्रयागराज के संगम तट पर स्नान किया और पूजा अर्चना की। इसके साथ ही हरिद्वार में भी शरद पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं ने गंगा में पवित्र डुबकी लगाई। इस साल अंतिम चंद्र ग्रहण लगा। ग्रहण मध्य रात्रि 1:05 से देर रात 2:24 पर समाप्त होगा। सूतक काल लगते ही देश भर के मंदिरों के कपाट बंद कर दिए गए। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे जालिम लोशन, दाद खाज खुजली से तुरंत आराम जालिम लोशन, और मुगली गुट्टी 555, हंसता बचपन खिलता बचपन, मुगली गुट्टी 555।